अनिल परिहार, अजीत परिहार, जो भाजपा के लीडर माने जाते थे, मिलिटेंट्स ने कुछ साल पहले दोनों भाइयों की निर्मम हत्या की थी। उसके बाद भाजपा का एक ही बयान आया था कि मिलिटेंट्स को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। अब दोबारा से भाजपा के काउंसलर ऋषिकेश पंडिता की हत्या की गई है कश्मीर में। दोबारा से हाईकमान ने एक ही बयान दिया है कि मिलिटेंट्स को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ये टिप्पणी आखिर कब तक चलेगी चरणकु साहब? ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और कश्मीर पंडितों के होनहार नेता अश्विनी चरंगू। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है। और भाजपा के राकेश काउंसलर राकेश पंडिता लास्ट नाइट मारे गए। ऐसे में चरंगू साहब, आप किसको दोषी मानते हैं, भाजपा सरकार को या किसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये सारी जो सिचुएशन बनी हुई है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन है कुल मिलाकर के, जब इसका एनालिसिस हो जाता है। क्योंकि जब हमें कल ये पता लग गया सारा, हमें इसका कष्ट तो बड़ा हुआ। पूरा रात हम जागते रहे कि सारा जो वहां से अब डेड बॉडी है उसको यहाँ लाना, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करते रहना रात भर, और फिर सुबह यहाँ पर वो डिलीवर हुई बॉडी। लेकिन कुछ एक बातें जो हैं वो बड़ी गंभीरता पूर्वक सामने आई हैं। पहली बात ये कि अगर किसी भी व्यक्ति को सिक्योरिटी दी जाती है तो सिक्योरिटी को छोड़कर वो वहां से क्यों घूमता रहता है, पहला बात, पहली बात तो ये। दूसरा, अगर वो वहां से निकल भी गया सिक्योरिटी के बगैर, ये किसको पता लगा कि वो सिक्योरिटी के बगैर है? उनको तो पता जरूर होगा जो सिक्योरिटी के अमले में है। उसके अलावा जहां वो गए हैं उनको भी पता होगा। ये बात किसने कहां किन को दी है कि कुछ ही समय के अंतराल के बाद में तीन टेररिस्ट आते हैं और वो बराबर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो सिक्योरिटी के बगैर है। अब इसके आगे एक और बात आ जाती है, जो मेजर फेलियर है कश्मीर के समाज का, और ये फेलियर मैं देख रहा हूं पिछले 40 साल से लगातार है, वो क्या है? चलिए ये भी मान लिया जाए कि वो वहां पर थे, टेररिस्ट भी आ गए ये भी मानते हैं, लेकिन इस समाज को आखिर हो क्या गया है कि अगर टेररिस्ट आए, मानते हैं हम उनके हाथ में तीन बंदूक हैं, वहां पर 10 लोग इकट्ठे होकर के उन पर हमला कर सकते थे, उनको काबू में कर सकते थे, हो सकता था उसमें एक दो मर भी जाते, मैं मानता हूं, हो सकता था उसमें और कुछ हो जाता, लेकिन जो हुआ है वो कोई कम थोड़ी हुआ है। एक तो पहले ही मारा गया, दूसरा एक लड़की जो है वो वहां पर हॉस्पिटल में है। सवाल ये पैदा होता है कि जो कश्मीर का समाज है, क्या उसको ये पैरालिसिस हो गया है इस मामले को लेकर के, कि अगर टेररिस्ट आ जाता है और वो इस प्रकार से हमला करता है, और उस पर भी जब हमला किसी अल्पसंख्यक पर होता है तो उस वक्त तो मूक दर्शक बने रहते हैं, कहीं कोई रिएक्शन ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ये सारे प्रश्न है, ये साइकोलॉजिकल भी है, सोशल भी है, और सबसे बड़ी बात ये चुनौती पेश करता है हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को और जितने लोगों को भी। देखिए, पिछले साल हमने बहुत मेहनत की थी कि चाहे वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के माध्यम से हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के माध्यम से हो, उपराज्यपाल महोदय के माध्यम से हो, हमने बहुत कोशिश करके ये इन सबको वहां पर कश्मीर में सुरक्षा दिलवाई थी। अब सुरक्षा को इस प्रकार से गंभीरता से ना लेना, ये कोई मामूली विषय नहीं है। मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि इन सबको बुला करके इनकी क्लास ली जाए और इनको समझाया जाए कि ये जो सिक्योरिटी होती है उसका मतलब क्या होता है। जब आपको कोई सिक्योरिटी मिलती है, मान लीजिए, तो जिनको सिक्योरिटी मिलती है उन्होंने अपने आप से फैसले नहीं लेने होते हैं, ये फैसले लेने जो हैं सुरक्षा के लोगों ने। और ये जो हुआ है, ये जो बहुत बड़ी चूक हुई है, जिसे कहते हैं ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी, ये तो वही हुआ। और ये दुर्भाग्यपूर्ण जो ये सारा घटनाक्रम है, इसमें मुझे बहुत बार ऐसा लगता है जैसे कोविड में हमने देखा,
हमने ढिलाई छोड़ दी और हालात देखिए क्या बन गए। इसी प्रकार से इसमें भी ढिलाई थोड़ी छोड़ी, देखिए क्या हो गया। हम कभी कभार अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारते हैं। मैं मानता हूं कि जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि हम सुसाइड करें। यह एक बड़ा अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। मैं तो सरकार से गुजारिश करूंगा, विशेषकर मैं, खैर आज तो अब ये समय नहीं था उस चीज का, कल से आई विल बी टेकिंग दिस इशू वेरी सीरियसली विद द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड आस्क द पुलिस अथॉरिटीज टू गो फॉर अ थॉरो प्रोब इन दिस इशू। आफ्टर ऑल हु वाज द पर्सन, कौन ऐसा जिम्मेदार था जिन जिनको ये पता था? ये कोई एक दो बंदे नहीं है, ये एक चेन होगी जिसने ये सारा किया। और तीन टेररिस्ट का आना ये कोई साधारण विषय नहीं है, जबकि हम देखते हैं कि कश्मीर में किस प्रकार से सुरक्षा इतनी चौकन्नी है और उसमें ये करके जाना और उस पर फिर वहां एक लड़की है उसको भी चोट पहुंचाना। और दूसरी बात, कश्मीर में जो समाज है वो अपना समाज है, मैं मानता हूं, लेकिन उस समाज के बड़े बुजुर्ग लोग, उस समाज के मजहबी मौलवी लोग, उस समाज के टीचर्स, उस समाज के इंटेलेक्चुअल्स और उस समाज में जो समझदार लोग हैं, उन्होंने भी इंट्रोस्पेक्शन के लिए अपने आप को आगे करना पड़ेगा। कितनी देर वो ये होता हुआ देखते रहेंगे और ये कहेंगे कि हम बचा लेते लेकिन हमें खुद भी खतरा था, ये कैसे चलेगा? तीन लोग आते हैं 300 को धमका देते हैं, आखिर इन तीन लोगों को 300 लोग काबू में तो कर सकते थे। अगर सारा गांव काबू में कर लेता ये कौन सी बड़ी बात थी, फिर बाद में पुलिस भी आ जाता। हाँ, एक और विषय है जिस पर मैं आना चाहूंगा और वो विषय भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो ये समझते हैं कि इन चीजों को लेकर के कश्मीरी पंडित या राष्ट्रवादी समाज डर जाएगा, वो गलतफहमी में है। मैं उनकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं, वो इससे कुछ भी करें, हम कोई भी बलिदान देने को तैयार होंगे, लेकिन कश्मीर में कश्मीरी पंडित बचेगा और हम बच के और हम उनको बसा के दिखाएंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है। और इतना ही नहीं, केवल कश्मीरी पंडित अब नहीं बसेगा, अब कश्मीर में हिंदू बसेगा, पूर्ण रूप से बसेगा। ये कोई ऐसी बात, ये किसी की बाप की जागीर नहीं है कश्मीर कि वो ये सोचते हैं कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित आए हम उसको बसने नहीं देंगे। सवाल नहीं पैदा होता, हमने इसको पूर्ण रूप से चुनौती के तरीके से ले लिया है। और जिन्होंने ये कृत्य किया है, जिन्होंने ये गंदा काम किया है, उनकी चमड़ी उतारी जाएगी, आप देख लेना मेरी बात। ये सवाल ही नहीं पैदा होता, हम उनको छोड़ने वाले नहीं है, सारा अमला लग जाएगा इसके पीछे और उनको वो अरेस्ट करेंगे, उनको वो खाक में मिला करके रख देंगे। ये कोई ये जंग आप ये ना समझें कि ये कोई मोहल्ला वाला जंग नहीं है, ये राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के विरुद्ध जो साजिश है उन दोनों के बीच की जंग है। चिनकू साहब, एक और बात मैं पूछना चाहता हूं, इतनी मिलिटेंस होने के बाद भी भाजपा सरकार पाकिस्तान से बात करना चाहती है, आखिर क्यों? देखिए, दो बातें मैं आपसे कहूंगा। पहले तो आप ये मिलिटेंसी शब्द जो बार बार बोल रहे हैं, इसको आप उम्र भर के लिए त्याग दीजिए। शब्द है टेररिज्म, शब्द है टेरर, शब्द है आतंकवादी, शब्द है दहशतगर्द। ये यहां पर पिछले 40 साल से लोगों को उनके भेजे में ये बार बार बात डाल दी गई है कि आप मिलिटेंट कहो। मैं कभी कभी हैरान होता हूं, आर्मी के लोग और सरकार के लोग भी ये मिलिटेंट शब्द प्रयोग करते हैं, ये बिल्कुल गलत शब्द है। ये आतंकवादी है, दहशतगर्द है, टेररिस्ट है, पहली बात। दूसरी बात, हमने कहा है, पिछले आज की बात नहीं, हमने पिछले 15 साल से ये बात कही है। उस वक्त यूपीए गवर्नमेंट थी और हमने उस वक्त उनका सपोर्ट किया था, तब से लेकर के लगातार आज तक 2007 से हमने कहा है, टेरर एंड टॉक्स वुड नॉट गो टुगेदर, किसी भी सूरत में टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं रहेंगे। पाकिस्तान ने टॉक्स के लिए टेरर बंद करना होगा, कोई बातचीत नहीं होगी, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देता हूं पाकिस्तान के साथ। हाँ, ये एक अलग बात है, देखिए, सीज फायर ऑन द बॉर्डर, सीज फायर ऑन द LOC, ये एक अलग विषय है, लेकिन कोई राजनीतिक ढंग से बातचीत करना, ये तब तक सवाल ही नहीं पैदा होता जब तक टेरर और टॉक्स दोनों हैं, ये तो सवाल नहीं पैदा होता। इन्होंने आतंकवाद का जब तक मूल
विनाश नहीं होगा तब तक कोई बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं होगी। चरंगू साहब, आपको क्या लगता है जितने भी सेपरेटिस्ट लीडर हैं, क्या उनका खर्चा और उनकी सिक्योरिटी का खर्चा क्या पाकिस्तान कर रही है? नहीं, हमारी भारत सरकार कर रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते? देखिए, एक बात मैं आपको कह दूं, जो आज से 10 साल पहले की स्थिति थी, 5 साल पहले की स्थिति थी, या इवन 2 साल पहले की स्थिति थी, उसमें आमूल चूल परिवर्तन आ गया है, बहुत कुछ बदल गया है। अब सवाल वो नहीं है जो 2 साल पहले के थे, अब सवाल कुछ और है। अब हम आतंकवाद को समूल उसका विनाश करने के लिए कृत संकल्प है, चाहे हमें उसके लिए कोई भी बलिदान देना पड़े। ये जो अलगावादी इधर उधर, ये बड़ा छोटा छोटा मसला है, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। यहाँ तो पूरा पूरे का पूरा हुर्रियत समाप्त तो हो गया, चाहे वो एक था, दो थे, तीन थे, जितने भी थे, वो सारा समाप्त ही हो गया है। उन्होंने अपना बिस्तर गोल कर दिया है। उनकी हिम्मत इतनी नहीं है कि वो आकर के लोगों के सामने ये कह सकें कि आतंकवाद जो है वो गलत है। वो खुद डरते हैं इससे, वो इतने डर से परेशान हैं कि वो आतंकवाद के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोलते। अब उनकी हालत ये हो गई है कि उनको भारत की सुरक्षा के दायरे में जो सुरक्षा मिल रही है उसके बाहर वो कदम नहीं रखना चाहते। वो बात बदल गई है जो पहले की थी। वो छोड़िए आप, मनमोहन सिंह के साथ में फिर उनके लंच टेबल पर आपको यासीन मलिक दिखेंगे, वो समय चला गया है। ये वो समय नहीं है। कोई ये न सोचे कि ये मनमोहन सिंह राज्य कर रहा है। इस समय नरेंद्र मोदी इस देश के प्रशासक हैं, नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं। पहले वाला समय चला गया है और हम पहले वाला समय आने भी नहीं देंगे। चंगू साहब, अक्सर देखा गया है, लोगों का भी यही कहना है कि जितने भी भाजपा के नेता हैं वो सिर्फ रामबन तक बोलते हैं, उसके आगे कोई भारत माता की जय नहीं कहता, कोई भी श्रीनगर में भारत माता की जय नहीं कहता। क्यों? मैं तो पिछले 4 साल से भारत माता की जय करते हुए कश्मीर जाता हूँ, हर महीने जाता हूँ, वहां एक एक हफ्ते रहता हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ। किसने आपको ऐसा कहा? मैं तो सारा कश्मीर घूमता रहता हूँ, मैं तो दो महीने पहले कश्मीर में ही था। किसने आपको कहा? जिसने कहा होगा उसको संज्ञान नहीं है उन चीजों का जो कश्मीर में है। ये जो जम्मू में बैठ करके कश्मीर के बारे में हम बहुत बार ये सोचते हैं कि हम ज्ञान बखारेंगे, मुझे माफ करिए, इसके लिए जमीन पर उतरना पड़ता है, जमीन पर काम करना पड़ता है। मैंने देखा है जम्मू में जितना भी मीडिया है वो मोस्टली फोकस्ड है जम्मू में, कश्मीर नहीं जाता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं चाहूंगा जम्मू का मीडिया अब कश्मीर भी जाए और कश्मीर जाकर के वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट्स लाए, कहां क्या हो रहा है। यहाँ के उन इलाकों में जैसे सरहदी इलाके हैं जम्मू के, जैसे पहाड़ी इलाके हैं जम्मू के, जैसे वो इलाके हैं जो पहले दहशतगर्द तंजीमों के इन्फ्लुएंस में थे, वहां जाकर के देखिए कितना जो समा है वो बदल चुका है। ये कोई मामूली बात नहीं है। पीछे हमारे जितने भी मेंबर पार्लियामेंट थे वो लाखों वोट लेकर के कामयाब हुए हैं। हमने पीछे 12-12, 13-13 लाख वोट लिए हैं। वो कैसे पॉसिबल होगा? वो तभी पॉसिबल होगा जब हमने वहां काम किया। अगर वहां पर टेररिस्ट की चलती होती तो हमें ये वोट नहीं मिलते। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जम्मू के उन क्षेत्रों में जहां पर मुस्लिम आबादी है वहां पर भाजपा को वोट मिले, हिंदुओं के एरिया में तो मिल ही रहे थे। 3,60,000 वोटों से पीछे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इलेक्शन जीता है। ये वोट कहां से आए? जब हमने एनालिसिस की तो हमने देखा उनके सारे इलाकों से वोट आए हैं, एवरीबॉडी वोटेड हिम। इसी प्रकार से जुगल किशोर जी के बारे में मैं कह रहा हूं, ये जो गलत फहमियां निर्माण करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है वो जम्मू के गली कूचू में बैठ करके और यहां पर अपने एसी रूम में बैठ करके अपने रिपोर्ट बनाते हैं। कृपया जम्मू विभाग जो है वो 26,000 वर्ग किलोमीटर है, कोई मामूली नहीं है। इट इज मोर देन द स्टेट ऑफ केरला। केरला से बड़ा जम्मू का क्षेत्र है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जो यहाँ के लोग हैं वो जम्मू सिटी को जम्मू ना समझे। जम्मू प्रोविंस एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, 26,000 वर्ग किलोमीटर, जबकि कश्मीर केवल 16,000 वर्ग किलोमीटर है।
आप खूब देखिए कितना कुछ बदला है संसार, जम्मू का संसार बहुत बदला है और आगे बदलाव और होगा। मैं आपसे वादा करता हूं, आप देखेंगे विद इन 2 ईयर्स जम्मू में इतना परिवर्तन आएगा, इतना परिवर्तन आएगा कि आप स्वयं पर भी यकीन नहीं करेंगे कि क्या ये वही जम्मू है जो हम 30 साल पहले सोचते थे, ये क्या है। हमारा सारा फोकस जम्मू पर है। और दूसरी बात, हम कोई जम्मू के लिए एहसान नहीं कर रहे हैं, जम्मू डिजर्व्स इट, क्योंकि जम्मू के साथ बहुत भेदभाव हुआ है। जम्मू के साथ 50 वर्षों में जो हुआ है वो रिकॉर्डेड है, हमारे पास है आंकड़े हैं उसके हमारे पास। इसलिए जम्मू में हर प्रकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट और वेलफेयर मेजर्स हैं उनको तो हम लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन कश्मीर को भी हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। कश्मीर के लिए भी हमने जो पार्टी ने फैसला किया है कि हर प्रकार से कश्मीर और जम्मू ये इक्वल अब डिस्ट्रीब्यूशन होगी हर चीज में। अब वो नहीं रहेगा जैसे पहले होता था, 10 आने ऊपर 6 आने नीचे, कभी 8 आने इधर कभी 10 आने उधर, ऐसा नहीं होगा। जम्मू और कश्मीर इक्वल दोनों बराबर हर प्रकार से होंगे और इनकी बराबरी के लिए हम लड़ेंगे। किसी भी सूरत में जम्मू के साथ या कश्मीर के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। हाँ, अगर कोई ये हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन खड़ा करेगा, मैं आपसे स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हम ये किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। और अगर किसी ने जाति इसमें की तो हो सकता है हमें पहले वाले कदम लेने पड़ेंगे। हम किसी भी सूरत में कोई भी कम्युनल एजेंडा, कोई भी फिरका परस्ती और कोई भी इस तरह की जो सोच है उसको पनपने नहीं देंगे। और अगर कोई इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होगा तो हम भी फिर वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चरंगू, जिनका कहना था कि मिलिटेंट्स को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, उसके लिए चाहे अपनी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट कर्तव्य गुप्ता के साथ, विकास गुप्ता, यंग बाइट्स, जम्मू।